नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रियंका झा। यूपीए 2 के कार्यकाल में हुए देश के सबसे बड़े 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले पर पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल CBI अदालत आज फैसला सुनाएगी। इसमें मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और DMK सांसद कनिमोझी समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आज अदालत फैसला दे सकती है। आपको बता दें कि साल 2010 में आई एक CAG रिपोर्ट में 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाए गए थे। इसमें बताया गया था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसे बांटा गया। इससे सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसमें इस बात का जिक्र था कि नीलामी के आधार पर लाइसेंस बांटे जाते तो ये रकम सरकार के खजाने में जाती। मालदीव के पेपर में भारत विरोधी संपादकीय छपने से नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। इस संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कट्टर हिंदूवादी बताने के साथ ही एंटी मुस्लिम करार दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय धिवेही भाषा में निकलने वाले इस अखबार में भारत को सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए चीन को नया बेस्ट फ्रेंड करार दिया गया है। इस अखबार को मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन का मुखपत्र माना जाता है। इसमें भारत को राष्ट्रपति यामीन सरकार के खिलाफ सैन्य तख्तापलट की साजिश रचने के साथ ही उस पर कश्मीर और श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया है। भारत में 3 तलाक को रोकने के मकसद से आज लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को पेश किया जाएगा। सरकार 3 तलाक को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए इस विधेयक को पेश करेगी। इस विधेयक में एक बार में 3 तलाक देने वालों को 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद 3 तलाक बिल पेश करेंगे। 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 93 रनों से हरा दिया। T20 क्रिकेट में ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। कटक में मिली इस जीत के साथ भारत ने मेहमान टीम पर 1-0 से बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को 181 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 87 रन ही बना सकी। भारत की ओर से पहले KL राहुल ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। इसके बाद बॉलिंग में युवा स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए। अवैध तरीके से भारत में घुसने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को भारत में रोहिंग्या के घुसने के लिए सभी संभावित रास्तों की पहचान करने और उन पर रोक लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंतजाम करने को कहा है। एजेंसियों से रोहिंग्याओं की मदद करने वालों को भी तलाशने को कहा गया है। हैदराबाद और दिल्ली में पकड़े गए कुछ रोहिंग्या मुसलमानों से पूछताछ में एजेंसियों को उनके भारत में घुसने के कुछ पसंदीदा रास्तों की जानकारी मिली है। गृह मंत्रालय को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल रोहिंग्या के लिए सबसे पसंदीदा रास्ता है। इसके बाद त्रिपुरा आता है। पश्चिम बंगाल में उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है। उत्तर बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्र हिली और दक्षिण बंगाल में हरिदासपुर रोहिंग्या के भारत में प्रवेश करने के सबसे पसंदीदा रास्ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा इटली में शादी के बाद भारत वापस आ चुके हैं और कल दोनों ने PM मोदी से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए शादीशुदा जोड़े को बधाई दी। PMO ने ट्वीट करके इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी। विराट और अनुष्का ने 11 दिसंबर को इटली के तस्केनी में शादी की। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।